हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 9 अप्रैल 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारी सारी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के और स्टैंडर्ड कोर्स स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं सबके कोर्सेज एमसीक्यू फॉर्मेट में अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। चीप रेट्स में आपके लिए अवेलेबल होंगे वो, फॉर बेटर यूज़। पहला आर्टिकल हमारा कह रहा है, वाइल टॉकिंग टेकिंग ओवर एमपीलेट्स फंड्स टू फाइट द वायरस सेटर मस्ट अलोकेट जुडिशियली। आपको पता है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो चलती आ रही थी अब तक, इस पे इसको सस्पेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। 2 साल में जो इस स्कीम के तहत पैसा मिलता था वो अब कोविड-19 से लड़ने के लिए लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। तो जो टाइटल है वो ये कह रहा है कि पहली बात तो सेंटर मस्ट अलोकेट जुडिशियली, इसको न्यायिक रूप से सही से जहाँ लगाना है उसी डायरेक्शन में पैसा लगाया जाए। अब इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते, ये स्कीम 1993 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर थी। 1994 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस स्कीम में कुछ नहीं, बस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं एमपीज, उनको साल भर के 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से जहां डेवलपमेंट कराना है उस एरिया में करा सकें। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो इस तरीके से हैं कि एमपीज का काम होगा रिकमेंड करना, वर्क कहां होगा, वर्क को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। अब कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी होगी इस स्कीम के तहत वो ये होगी कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपीलेट्स जो स्कीम है, ये एमपीलेट्स, इसमें जो लोकसभा के जो एमपीज हैं, जो इलेक्टेड एमपीज हैं, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ही वर्क रिकमेंड करवा सकते हैं। जो जिस जगह से चुनाव लड़ा है, जिसने जो जिस जगह का सांसद है वहीं का ही वो डेवलपमेंट करवा सकता है, रिकमेंड कर सकता है। जो आपके राज्यसभा जो एमपीज हैं, राज्यसभा में जो एमपी हैं वो जिस राज्य से हैं, जिस राज्य की लेजिस्लेचर से हैं, उस राज्य में कहीं भी प्रोग्राम को रिकमेंड कर सकते हैं डेवलपमेंट को। जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा में और राज्यसभा में भी जो होते हैं, दोनों में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वे कहीं भी पूरे देश भर में प्रोग्राम रिकमेंड करवा सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, लोकसभा के जो मेंबर है इलेक्टेड वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, राज्यसभा वाले पूरे स्टेट में, और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हाउसेस के पूरे देश भर में कहीं भी। लेकिन इनका काम केवल और केवल रिकमेंड करने का होगा, इंप्लीमेंट करने का काम जो एग्जीक्यूटिव है उसको होगा। अब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि ये तो जो सेपरेशन ऑफ पावर जो वाली जो हमारी डॉक्ट्राइन है उसके खिलाफ है। भाई संविधान में हम क्या कहते हैं कि लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव तीनों अलग अलग करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करेंगे, कैसे कहते हैं हम। लेकिन अगर डेवलपमेंट का काम लेजिस्लेचर अगर रिकमेंड करेगा कि यहाँ डेवलप करो, जब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना, कानून में किस तरीके से जो है सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। लेकिन डेवलपमेंट कहाँ होगा, पैसा किस कदर लगाना है, कहाँ लगाना है, किस जगह लगाना है, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये स्कीम जो है इस डॉक्ट्राइन के खिलाफ है, और इसी वजह से कई सारे सवाल इस पर उठ रहे थे। तो अब जो है कोविड-19 जब पेंडेमिक आया तो फाइनली 2 साल के लिए इसको इसी तहत सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कहने को तो आप ये भी कर सकते हो, इट मे अपीयर एट फर्स्ट ब्लश दैट डिसीजन मे अंडरमाइन द डिसेंट्रलाइज्ड मैनर ऑफ फंडिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट, कि लोकल एरिया डेवलपमेंट का जो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर है, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब डेवलपमेंट को जो है पावर जो नीचे तबकों में दे दी गई है, भाई एमपीस पे जो पावर दे दी गई है मंत्रियों को छोड़ के, जो सांसदों पे जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज जो पावर है उस पे एक तरीके से चोट है। भाई एमपीस की स्कीम जो आई थी वो कुछ ना कुछ सोच के तो आई होगी ना, ऐसा तो है नहीं। लेकिन एक अनुभव जो हमको बताता है वो ये बताता है कि सांसद जो है इस पैसा जो आता है इसके तहत तो वो ढंग से उसको यूटिलाइज करते नहीं है। जो रिकमेंडेशन दिया गया और जो इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुआ उसमें काफ़ी गैप निरंतर नज़र आता रहता है। उस गैप के चक्कर ही इस स्कीम का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। इमीडिएट बेनिफिट अभी इसको 2 साल के लिए सस्पेंड करने का ये है कि इसमें 7,900 करोड़ रुपये जो दिए जाते वो फ्री हो चुके हैं। अब वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप लगा सकते हो ताकि पेंडेमिक से कॉम्बैट कर सके, हम लड़ सकें। सेकेंड चीज़ वो ये है कि ये जो एम्पलेट्स स्कीम है, इसके बाद जो अनाउंस की गई थी वो ये कि कहने को तो अभी 5 लाख रुपए
दिए गए थे एमपीज़ को इनके फंड में से, ताकि वो अपने अपने जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उनमें मेडिकल इक्विपमेंट खरीद लें, और उन्होंने खरीद भी दिया। तो खरीद दिया वो तो खरीद दिया, मास्क वगैरह बंटवा दिया, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो स्कीम सस्पेंड हो गई है, तो सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी पैसा जहां लगाया गया है वो लगाया जाए, उनको रोका नहीं जाए, इमीडिएटली उन पर काम किया जाए। और ये जो पैसा है, अब आप बोलोगे 7,900 करोड़ रुपये सरकार ने अगर COVID-19 पर भी नहीं लगाया, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो, सरकार ने ये भी अनाउंस किया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर ये चले जाएगा तो बेहतर होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल 266(1) में आता है, और आपका जो पब्लिक अकाउंट है वो आपका आर्टिकल 266(2) में आता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जो जाता है वो इस तरीके से बाहर नहीं आता जैसे पब्लिक अकाउंट में आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट की अथॉरिटी चाहिए, परमिशन चाहिए। तो कहीं भी पैसा लगाया जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसका पूरा असेसमेंट रहता है, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पूरा इसका ऑडिट करता रहता है। तो गवर्नमेंट जो है, अगर जिनाइन अफोर्ट्स अगर लग रहे हैं मेंबर्स के द्वारा, तो वो करते जाए, बाकी एक जो है असेसमेंट भी हो किस तरीके से जो डिफरेंट रीजन में उस तरीके से पैसा लगाना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एलोकेशन नहीं होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पार्ट, कई बार देखा जाता है कि ऐसी जगह जो है पैसा लगा दिया जाता है जहाँ से वोट सरकार को आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा देखा जाता है। लास्ट में मैं आपको, चलो अभी बता देता हूँ। देखो, आर्टिकल 266 में जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें एक दो तरह के रिवेन्यू उसमें जाते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार टैक्स लेती है, पैसा आता है, वो जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे स्पेक्ट्रम एलोकेशन कर दिया, फाइन लगा दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। सीएजी इसको जो है ऑडिट कर सकता है। हर स्टेट के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वो होता है, उसमें वो पैसा जाता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता। हर स्टेट के पास अपना पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, मतलब पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट होता है। तो हर स्टेट के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। हालांकि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए लेजिस्लेचर की परमिशन जरूरी है। अब ये ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जाता है उसमें टैक्स रेवेन्यू भी आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, और साथ में जो लोन्स एक सरकार लेती है ट्रेजरी बिल के थ्रू। अब ट्रेजरी बिल जो है वो केवल केंद्र सरकार इशू करती है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। जो स्टेट्स हैं वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह जो उठाते हैं या जो भी बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, ये पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और जो पैसा इस फंड में नहीं जाता, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और रेस्पेक्टिव स्टेट्स के पब्लिक अकाउंट में जाता है। ऐसे ही आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, जो आपके आर्टिकल 267 में आता है। अब 267(1) में क्लोज में आता है, शायद कन्फर्म कर लेना एक बार। इसमें क्या है, 500 करोड़ का जो है फंड रहता है, 500 करोड़ का रहता है, और कभी भी कोई अचानक से ऐसा खर्चा आ जाए जो मान लो जिसकी कभी सोची नहीं थी, तो उसको मीट करने के लिए ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। इसके लिए जो है सरकार को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती इस तरीके से कि जो है यहाँ पे कि सरकार परमिशन ले संसद। राज्य सरकार के पास अपना कंटिजेंसी फंड होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, पब्लिक अकाउंट के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और कंटिजेंसी जो फंड है उसके लिए आप अलग से आराम से पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी ज़्यादा नहीं हुई होगी। तो कहने का मतलब, इसलिए कहा गया था कि पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें जो पैसा बचेगा वो पैसा COVID-19 से लड़ने में लगाया जा सकता है। अब अगर MPs ढंग से अगर लोकल डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करे और पैसा अगर वहाँ कर देते तो ये स्कीम सस्पेंड होती क्यों? लेकिन क्रिटिसिज्म भी कई बार होता गया इसका कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ये पैसा जहाँ जाता है वहाँ लगता नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो अपनी एक स्कीम है, डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैंने आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में ही आपको बताई, उसके अगेंस्ट है ये। भाई प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है, भाई आप ये देखो, सरकार ने कानून बना दिया, MPs ने कानून बना दिया, अब उसमें जो एक होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये भी याद रख लो। देखो डेलीगेटेड सरकार MPs ने कानून बना दिया, लेजिस्लेशन बना दिया, अब कई बार क्या होता है कि समय नहीं होता या फिर एक्सपर्टाइज नहीं होती या फिर जो है इतनी प्रायोरिटी नहीं होती कि उस कानून के अंदर वो हर चीज़ आ जाए जो जरूरी है, जो उस मैटर को सोल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है, उस कानून में जो गैप रह गया लेजिस्लेशन में, वो लेजिस्लेशन का जो गैप है वो एग्जीक्यूटिव पूरा कर देते हैं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हमारे जो यहाँ पे आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो प्रशासन जो हो गया, वो ये काम पूरा कर देते हैं। अब कई बार ये देखा गया है कि इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन।
अब इसलिए इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सारा काम संसद में तो नहीं हो सकता। कुछ काम जो है, अब देखो कुछ काम है, अब देखो कानून जो बनता है वो सीधा सीधा ऐसे नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस तरीके से काम करना पड़ेगा, कलेक्टर को इस तरीके से काम करना पड़ेगा। एक पूरा फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर को या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको अपना दिमाग लगा के काम करना पड़ता है कि अच्छा इस तरीके से होगा। इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी इसको कहते हैं। तो एक तरीके से लेजिस्लेशन ऐसे भी होता है, लेकिन जो काम इम्प्लीमेंटेशन का है किसी भी प्रशासन के, भाई पैसा किस कदर लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये केवल एग्जीक्यूटिव का काम है। जो सांसद हैं अगर वो उस स्कीम के जरिए इंटरफेयर करेंगे, चाहे वो 5 करोड़ रुपए का ही कर रहे हो, लेकिन अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कीम के अगेंस्ट हैं। और जुडिक्स जो हैं वो संविधान में पहले भी पॉइंट किए हैं कि संविधान में जो है ऐसी पावर नहीं है कि पब्लिक मनी जो है वो कोई एक इंडिविजुअल लेजिस्लेचर लगाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं इसको वीक मॉनिटरिंग भी कहते हैं कि यार ये जो है वीक मॉनिटरिंग भी इसकी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस स्कीम को स्ट्राइक डाउन भी किया था कि ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि स्कीम जो है वो नहीं हटाएंगे, लेकिन एक रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी रिजीम हो। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि स्कीम तो मत हटाओ, लेकिन जब ये केस चला था अकाउंटेबिलिटी रहे, कितना पैसा कहाँ लग रहा है वो पता तो चले। लेकिन अब एम्पलेट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, वैसे तो एमपीज़ को पैसा मिलता था कि कहाँ मर्जी वहाँ खर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का भी नुकसान झेलना पड़ता था और पैसे जहाँ का जाने कहाँ खर्च होता था। ये सारी जो दिक्कतें देखते हुए भी जो है अब लग रहा है कि सही चीज़ें एमपीलेट्स स्कीम हटाई देते, भाई जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा उसको लगाने से क्या मतलब। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि प्रॉब्लम्स बताई थी किस तरीके से जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में इंटरफेरेंस हो रहा है। तो सस्पेंशन जो है वो सही है, अभी तो बिल्कुल सही है, हालांकि फिर भी इस पर जो है सोचा विचारा जा सकता है एक बार। प्रोलॉन जस्टिस, जिसमें बात हो रही है कि महबूबा मुफ्ती को अब तक डिटेंशन किया गया जम्मू कश्मीर में, तो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं सरकार मोरली और पॉलिटिकली, क्यों किया गया है अब तक, भाई अब जो है उनको अपने घर में शिफ्ट कर दिया गया लेकिन घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो अब जो है सरकार, अब कई चीज़ें ये होती है कि यार सिक्योरिटी का मामला सरकार कैसे खुलासा करे, लेकिन एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, कोई तो रीजन होगा ही, ऐसे तो किसी को भी पकड़ के ले जाए। हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा, दोनों जो है इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। नीडेड ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये पढ़ो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जरूरत क्यों है। पिछले सप्ताह में जो है क्या हुआ कि ये जो पेंडेमिक जैसे जैसे बढ़ता गया, एक चीज़ यहाँ पे जो नज़र आती गई कि स्टेट जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका रोल कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट रहता है अपने अपने राज्यों में, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो केरला हो, कर्नाटका हो, उन्होंने जिस तरीके से अपने अपने राज्यों में काम करने की कोशिश की, जैसे आप देखोगे भीलवाड़ा जो मैंने आपको कल भी बताया था कि वो राजस्थान सरकार ने किस तरीके से उसको हॉटस्पॉट बनने से रोका, किस तरीके से वो रोल मॉडल बन गया पूरे देश के लिए, तो राज्य सरकारें अपने तरीके से काम कर सकती है। आपको मैं एक किस्सा पहले भी बता चुका हूँ कि एक बार निपा वायरस जो है वो आ गया था केरला में, लेकिन 30-40 केस होते ही केरला ने उसको समटा दिया था, सेंटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो डिसेंट्रलाइजेशन की पावर इतनी होती है कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से अगर काम कर सके किसी चीज़ को तो अच्छी तरीके से कर सकते, क्योंकि राज्य सरकार को पता होता है वहाँ की राज्य सरकार को कि यहाँ एरिया में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो उनसे वो उससे मिले, समझ रहे हो ना, उससे मतलब वो जुड़े हुए रहते हैं। सेंटर को इतना नहीं पता रहता कि कौन सी जगह पे किस तरीके से काम होना चाहिए। इसमें यही बात हो रही है कि जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 वाला जो एक्ट उसको इन्वोक किया, सारी राज्य सरकारों को पावर दे दी गई एपेडमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंदर की, वो क्वारंटाइन कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, लॉकडाउन कर सकते हैं। ये कोविड-19 के तहत एक बहुत बड़ा हथियार बनता जा रहा है, ये एक्शन जो राज्य सरकारों के द्वारा लिया जा रहा है परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ जगह सिविल लिबर्टीज़ को भी जो है हमला किया जा रहा है, किसी जगह लाठियाँ भी चलाई जा रही है, लेकिन किसी जगह पुलिस वालों पर भी हमला हो रहा है। तो लेकिन ये देखा जाए तो महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, इन्होंने लोकल कंसर्न इन्होंने मिटा दिए, कम्युनिटी किचन्स इन्होंने खोलने की कोशिश की जो शायद केंद्र सरकार नहीं कर पाती। इन डिसीजंस को वो पब्लिक के साथ आराम से अपनी भाषा में समझा पाए, फ्रेमवर्क समझा पाए, और इसके लिए ना कि उनको एक जो स्टेटस दिया जा रहा है राज्य सरकारों को, वो दिया जा रहा है लेबोरेटरीज ऑफ डेमोक्रेसी, जो सुप्रीम कोर्ट जो यूएस के थे उन्होंने, वहाँ के जो जस्टिस थे उन्होंने कहा था लुइस ब्रांडिस ने कि ये लेबोरेटरीज ऑफ डेमोक्रेसी है। तो मेंस में अगर आर्टिकल आ जाए स्टेट्स के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो लेबोरेटरीज ऑफ डेमोक्रेसी और फाउंड्स ऑफ रीजनड अथॉरिटी। एक चीज़ यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये सब कुछ अगर हो रहा है, राज्य सरकार के पास वाकई में इतनी पावर है, तो अब तक ये रुके क्यों थे, अब तक जो है ढंग से डेवलपमेंट या चीज़ें हुई क्यों नहीं। इसका आपको लिमिटेशंस आपको देखनी पड़ेगी कि कई लिमिटेशंस हमारे यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में है। पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि स्टेट जो है अपनी मर्जी से पैसा हर तरीके से नहीं ले सकते, वेलफेयर
वेलफेयर पैकेज सरकार केंद्र सरकार के द्वारा आता है, पैसा भी वही डिसाइड करती है और अपनी मर्जी से सरकार कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकती राज्य सरकार। हालांकि कई बार देखा गया है कि राज्य सरकार भी जो है पॉलिटिक्स खेलती है और पैसे को जहां लगाना होता है वहां नहीं लगाती, इस वजह से केंद्र सरकार थोड़ा रुख कड़ा अपना के चलती है। लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार वास्तव में अच्छे तरीके से काम करना चाहती है उसको वहां पैसा नहीं लगा पाती जहां वो लगाना चाहिए। जैसे अगर अब तक राज्य सरकारें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर पैसा लगाती, वेंटिलेटर्स पर पैसा लगाती, हॉस्पिटल्स पर पैसा लगाती, पैरामेडिकल स्टाफ पर पैसा लगाती, लेकिन वो पैसा अगर केंद्र सरकार से परमिशन होती तभी लगा पाती ना। तो दूसरी चीज़ तो यही है, पहली चीज़ तो ये कि फंड्स को असेस नहीं कर पाते, दूसरी चीज़ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वीक है, तीसरी चीज सप्लाई चेन का डिसरप्शन जो है होता रहता है, ना केवल एसेंशियल गुड्स का बल्कि और भी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो गुड्स हैं उनका। आप देखोगे कई राज्य सरकारों में, कई राज्यों में जो है सही तरीके से पैसा नहीं जा रहा है, लॉजिस्टिक्स की दिक्कत आ रही है। तो अगर राज्य सरकारों के पास अपना बफर स्टॉक हो, राज्य सरकारों के पास अपनी एक पावर हो स्टॉक बनाने की और मोबिलाइज करने की सारे गुड्स को, तो कितना अच्छा काम यहाँ पे हो जाए। और यही जरूरत अब केंद्र सरकार को भी समझ में आ रही होगी कि जिस तरीके से स्टेट्स और लोकल बॉडीज काम कर रहे हैं उनको जो है ग्रेटर मैनेजरियल फ्रीडम देनी चाहिए। इस मॉडल के अंदर यूनियन गवर्नमेंट को पावर कम मिलेगी लेकिन कोऑर्डिनेशन वो कर सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है वो क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि लेवल दो है सरकार के, एक केंद्र में एक राज्य में। सातवां जो शेड्यूल है हमारा संविधान का, सेवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपकी लिस्ट भी बटी हुई है कि यूनियन लिस्ट के पास कौन सा है और राज्य सरकार स्टेट लिस्ट के पास कौन सा है। कॉन्करेंट लिस्ट भी है लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में जो है यूनियन गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हक हो ही जाता है, ओवरराइड वो कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उसके पास इंपोर्टेंस अफेयर है, नेशनल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट है जो काफ़ी मैटर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस है, जैसे रीजन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, एयरवेज। स्टेट्स के पास भी ऐसा तो नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, है पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये सब जो है स्टेट्स के पास है। स्टेट्स की पावर भी काफ़ी अच्छी है, पुलिस, वाटर, सब कुछ इनके पास है, पब्लिक हेल्थ, ये सब कुछ जो है इनके पास है, एग्रीकल्चर, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सब कुछ है। तो बाइकैमरलिज्म जो है वो ऐसे अचीव नहीं होता कि आपने दो सेपरेट हाउसेस बना दिए और जो है दो डिस्टिंक्ट चैम्बर बना दिए, लोकसभा बना दिए, राज्यसभा बना दिए, फिर जो है राज्यसभा में आपको पता है कि राज्यों के जो लेजिस्लेटर्स हैं वहाँ से लोग इलेक्ट होकर आते हैं और लोकसभा में डायरेक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एमपी से इलेक्ट होकर आते हैं। तो ये जरूरी है, स्कीम से समझ जाना चाहिए आपको कि फ्रेमर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने संविधान को बनाया, वो जानते थे कि राज्य सरकार को अपनी पावर देनी पड़ेगी, इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा बनाया। और राज्यसभा ही नहीं बल्कि उन्होंने देखा कि किस तरीके से टैक्स का पावर डिवाइड करना पड़ेगा। यूनियन को कुछ पावर दे दी गई, जैसे कि वो एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के सारी इनकम को टैक्स कर सकती है, जो ये डायरेक्ट जो आपका टैक्स लगता है वो ये करती है, और इनडायरेक्ट टैक्स भी ये कर सकती है कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के नाम पे। लेकिन जो सामान इधर से उधर राज्यों में जा रहा है, जो एंट्री हो रही है गुड्स की, उस पर राज्य सरकार ही कर सकती है। तो टैक्स की पावर बटी हुई है यूनियन के बीच में और स्टेट्स के बीच में, और सबसे सिंपल रीज़न यही था कि स्टेट्स को जो है पावर दे दी जाए ताकि वो अपने पैसा भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ इकट्ठा कर पाए और अपने जरूरत, अपने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च कर पाए। तो हिस्ट्री जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस की वो यही कहती है, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें अभी भी नज़र आती है क्योंकि रियल डेवलपमेंट स्टेट्स के हाथों में अभी भी नहीं है। कई बार देखा गया कि अब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज़ भी कही बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, ये आप याद रख सकते हैं। कोर्ट्स वगैरह तो आप लिखते रहा करो, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स लिखते रहा करो, कोई भी आंसर में अगर आप ऊपर लिख देते हो तो मार्क्स जो है अच्छे आते हैं। अपेंडेजेस ऑफ सेंटर, सेंटर के जो है ये अपेंडेजेस हैं, अपेंडेजेस मतलब ये केवल सेंटर के एक पार्ट्स हैं, सेंटर बहुत बड़ा है, स्टेट्स इनके नीचे काम करते हैं, ऐसा जो है सेंटर यहाँ पे सोचता है, ऐसा यहाँ पे एक स्कीम बन के नजर आई है, जबकि ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार कोशिश की गई कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाए, केंद्र सरकार के द्वारा भी कर दी गई, बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के द्वारा भी कई बार ये कोशिशें की गई, लेकिन यहाँ पे जो हमारे नरेंद्र मोदी जो चीफ मिनिस्टर रह चुके गुजरात के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहते हुए उन्होंने कई बार जो है रैली वगैरह की आवाज़ उठाई कि पावर जो है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। 2014 में भी आए तो उन्होंने नीति आयोग लाए, नीति आयोग लाके उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे बैठ के डिसीजन नहीं लेंगे, सारे चीफ मिनिस्टर बैठ के डिसीजन लेंगे। लेकिन जो इन्होंने कहा और जो एक्शंस लिए गए वो काफ़ी उल्टे थे। जैसे 14 जो फाइनेंस कमीशन था उसने रिकमेंडेशन कहा कि स्टेट्स को जो आप पैसा देते हो टैक्स रेवेन्यू के रूप में, अब तक 32% देते थे, अब 42% दे दो। हालांकि आप सोचोगे कि बात तो सही है, फिर नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार ने उल्टा क्या किया, उल्टा ये किया कि यहाँ पे कई जगह जो है पैसा वो राज्य सरकारों से छीन लिया, टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ा दिया लेकिन जैसे आप देखोगे ग्रांट्स के रूप में पैसा कम देना शुरू कर दिया। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक होती सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम में 100% पैसा केंद्र सरकार देती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पैसा केंद्र सरकार लगाती है, जैसे 90%, 70%, 50%। इस तरीके से पैसा जो लगाना होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, सेंटर जो है गवर्नमेंट इसके बाद से फाइनेंस कमीशन के बाद से जो है पैसा कम से कम लगाने लग गई। तो ऊपर से क्या दिख रहा था, नीचे से क्या हो रहा था, तो ये जो मेजर्स हैं ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज जो टैक्स रिजीम में आया वो और भी डिस्ट्रक्टिव हो गया। गुड्स और टैक्स रिजीम के अंदर, जीएसटी के अंदर केंद्र राज्य सरकारों को पावर नहीं मिली इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, सेंटर के पे डिपेंड रहना पड़ता है पैसा लेने के लिए। कई महीनों से, 4 महीनों से पैसा कई राज्यों में जा भी नहीं रहा, शिकायतें लिखी केंद्र सरकार को राज्य सरकारों ने कि 4 महीने का हमारा जो बकाया पैसा जीएसटी का 40,000 करोड़ रुपये ये भी हमको दे दो। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो सेंट्रलाइजिंग जो यहाँ पे इसकी जो इंस्टिक्ट है सेंट्रलाइजिंग तरीके से काम कर रही है, या फाइनेंस ही नहीं बल्कि कई तरीके से जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रलाइज होती जा रही है। सेंट्रलाइज मतलब खुद के पास सारी पावर इकट्ठा करना चाहती है, जैसे मनी बिल को जो है कई बार राज्य, मनी बिल आपको पता है कि वैसे तो राज्यसभा में ज़्यादा पावर नहीं होती मनी बिल के मामले में, लेकिन फिर भी जो है राज्यसभा में बाईपास करने की कोशिश की गई मनी बिल। लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होता है कि ये चीज़ मनी बिल है या नहीं है, तो लोकसभा के स्पीकर ने इसको जो है कई बार मनी बिल को मनी बिल नहीं बताया, और इसी वजह से राज्यसभा जो है, राज्यसभा की जो पावर है वो इस पे से चली गई। आपको पता है मनी बिल जो है राज्यसभा में से भी होके गुजरना ज़रूरी है, अगर राज्यसभा नहीं करता तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि गवर्नर्स को भी जो है मजबूत बना दिया गया, स्टेट्स के अफेयर में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है। जो गवर्नर्स जो कि केवल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट की सील के अंदर अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के वारंट के अंदर अपॉइंट होते हैं, माना जाता है कि गवर्नर जो है केंद्र सरकार की जो है पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि इससे स्टेट्स में इंटरफेयर करने की। फिर आर्टिकल 360 और कश्मीर वाला जो इशू है इस पर जो है अभी कंट्रोवर्शियल है, तो इस पर हम अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया, पिछली गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया, और अभी भी गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है। लेकिन इंडिया को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहिए, पावर चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन वाली। एक जो एग्जीक्यूटिव यूनिट अगर पूरी तरीके से काम करेगी तो ये गलत होगा। भारत डाइवर्स है, भारत जो है हेट्रोजीनस है, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के हमारे स्टेट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो इन लोगों को एक तरीके से डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, पंचायत को एम्पावर करना पड़ेगा, और यही हमारा अगला आर्टिकल है। लेकिन जाते जाते ये पढ़ लीजिए जो कंक्लूजन में है कि हम जो है फेडरल स्ट्रक्चर को अगर मजबूत करना है तो हमको हमारा आर्टिकल 1 का जो प्रॉमिस है उसको निभाना पड़ेगा, और वो प्रॉमिस है इंडिया दैट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यूनियन है स्टेट्स का, स्टेट्स को मिलके बना है स्टेट्स एक यूनियन, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है रूरल इंडिया के पेंडेमिक फाइट की। अब वही बात जो हमने ऊपर की डिसेंट्रलाइजेशन की, अब इसको एक्चुअल शेप में पंचायत में कौन दे रहे हैं, ये वाले राइटर ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत को जो है आप काफ़ी ज़्यादा पावर दे सकते हो। ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, ग्राम पंचायत 3 काम कर सकती है, अवेयरनेस बढ़ा सकती है, आइसोलेशन कर सकती है, और तीसरा स्कीम्स के स्कीम्स को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। भाई गरीबों को पता ही नहीं कौन सी जनधन योजना, कौन सा योजना आ रही है, पीएम किसान कौन सी योजना है, गरीबों को पता ही नहीं कौन सी जो जीवन सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना आ रही है। केंद्र अगर पंचायतों को पावर हो तो पंचायत जो है वो जाके सारी चीज़ें यहाँ पे अपने लोगों को बता सकते हैं। लेकिन एक इशू जो हमेशा नज़र आता है वो ये आता है कि आपको पता है प्रधान और जो हमारे सरपंच होते हैं वो हमारे एसडीएम और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इनसे डरते हैं। ये चाहे तो प्रधान वगैरह को हटा सकते हैं और मतलब इनको काफ़ी सजा दिला सकते हैं, तो ये डरते हैं उनके सामने कुछ बोलने से। इसी वजह से किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ज़्यादा कंट्रोल रहता है और ग्राम पंचायत जो सरपंच है उसका कम कंट्रोल रहता है, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि सरपंच जो है वो गाँव को अच्छी तरीके से जानता है। तो अगर हम चीजें देखें कि अवेयरनेस फैलाने का काम ग्राम पंचायत के अलावा कौन बेहतर कर सकता है, तो उसका उदाहरण केरला से मिलता है। केरला में कम्युनिटी किचन है, किचन कम्युनिटी पंचायत के द्वारा चलाई जाने वाली, आपस में खाना बांट रहे हैं लोग। इसलिए फाइनेंस कमीशन भी बार बार कहता है, और फाइनेंस कमीशन जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने भी डायरेक्शन दी थी कि ग्राम पंचायत को पावर दो। सेंटर ने माना भी, कई राज्य सरकारों ने माना भी, लेकिन कई राज्य सरकारें नहीं मान रही। देखो केंद्र सरकार ट्राई कर रही है, राज्य सरकार अपनी मर्जी से ट्राई कर रही है, सिविल सोसाइटी काम कर रही है, एनजीओ काम कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, लेकिन क्या ग्राम पंचायत अपनी मर्जी से अच्छे तरीके से पूरे फुल अफोर्ट्स लगा पा रही है, ये एक सवाल है, और ये सवाल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो है पेंडेमिक रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकारों को, अब देखो मैंने कहा राज्य सरकारों को पावर देनी चाहिए और राज्य सरकारों में भी केवल ग्राम पंचायत को और भी पावर देनी चाहिए, तो जब सोचो राज्य सरकारों के पास हमारे ऊपर वाले आर्टिकल में हमने पढ़ा अगर पावर नहीं होगी तो ग्राम पंचायत के पास कहाँ से पावर होगी। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को पावर देनी जरूरी है, वैसे तो कई बार डिस्कस कर दिया गया है, लेकिन आप देखोगे तो इस पर आर्टिकल आ सकता है, तो आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो है इस पर बतानी पड़ेगी कि ग्राम पंचायत में किस तरह के सुधार होने चाहिए, इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सरपंचों को पावर होनी चाहिए, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और
जो आपका ग्राम सभा है जिसको कहते हैं, जो आपके ग्राम पंचायत में जो जितने भी वोट देने वाले हैं जो इलेक्टर्स हैं वो सबकी एक बॉडी होती है ग्राम सभा, उसको भी पावर देनी चाहिए, तभी जाके ग्राम पंचायत जो है एम्पावर हो सकती है। वरना पावर तो आज भी सरपंच के पास खूब है, लेकिन जब क्या करें, जब ऊपर से डायरेक्शन नहीं आ रहे, पूरी तरीके से फंड्स अवेलेबल नहीं है ग्राम पंचायत में। अब देखो ऐसे तो ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकती है, ग्राम पंचायत के पास पावर है कि वो कहीं भी पानी पे, बिजली पे, रोड वगैरह, मतलब जो है ये इधर उधर छोटी मोटी सर्विसेज के टैक्स लगा सकती है, इंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है। इंटरटेनमेंट टैक्स तो सर खैर म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपलिटी लगाती है, लेकिन कुछ टैक्स की पावर जो है वो बटी हुई है ग्राम पंचायत में भी। इसको आप याद रखना, ज़रूर याद रखना कि जो है पंचायत कौन कौन से टैक्स लगा सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रख लेना कि ग्राम पंचायत टैक्स लगाती है तो लगा इसलिए नहीं लगाती क्योंकि जो सरपंच अगर कहीं टैक्स लगाना शुरू कर देगा तो लोग उसको वोट देंगे ही नहीं। तो ये एक पॉलिटिक्स भी जो है ग्राम पंचायत को रोक के रखी है। फाइनेंसिंग द पेंडेमिक रेस्क्यू पैकेज, ये वही बात हो रही है जो पिछले कुछ आर्टिकल्स में बात हो रही है, लेकिन अलग ये बात हो रही है कि इसमें तीन जो है यहाँ पे सरकार काम कर सकती है। पहला तो ये कि जीडीपी लिंक्ड बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। जीडीपी लिंक्ड क्या होते हैं, जीडी बॉन्ड्स क्या होते हैं, मैं सरकार हूँ, मैं बॉन्ड्स इशू कर रहा हूँ। बॉन्ड्स क्या है, एक सिक्योरिटी, मेरा प्रूफ है कि मैं आपसे कुछ पैसा ले रहा हूँ और ये प्रूफ है कि मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूँ। ये बॉन्ड मेरे साइन होंगे इसमें कि ये बॉन्ड आप लो, ये सिक्योरिटी है, ये प्रूफ है कि भाई मैंने आपसे पैसा लिया और जब आप मेरे को पैसा दोगे, मैं पैसा ब्याज के साथ जब आपको लौटाऊंगा तो बॉन्ड मुझे वापस दे देना। तो बॉन्ड एक प्रूफ हो गया। तो जीडीपी लिंक बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड जीडीपी लिंक कैसे हो गए, भाई जीडीपी अगर बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो है इंटरेस्ट चुकाया जाए। बस भाई मुझे, मैंने पैसा लिया किसी से, मुझे ब्याज चुकाना होगा, तो जीडीपी लिंक बॉन्ड क्या होंगे कि अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाऊंगा, जीडीपी अगर नहीं बढ़ रही तो मैं कम इंटरेस्ट चुकाऊंगा। यहाँ पे तो दोनों तरफ से सरकार को फायदा है, पैसा भी मिल रहा है, जीडीपी कम है तो इंटरेस्ट भी कम चुकाना मिल रहा है, जीडीपी ज़्यादा है तो पैसा चुका ही सकती है। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीएसयू की जो एक्सेस लिक्विडिटी है भाई, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो इतना जो लिक्विडिटी उनके पास है, जो इतना पैसा उनके पास पड़ा है म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं भी स्टॉक में, इक्विटी में, ये पैसा जो है पीएसयू का ले और उसको इस्तेमाल किया जाए। तीसरी चीज़, नॉन कोर असेट्स। कोर असेट्स क्या होती है, आपकी स्टील की फैक्ट्री है, स्टील में आपकी मशीनरी नहीं होगी तो क्या आपकी फैक्ट्री चलेगी, नहीं। लेकिन आपके ऐसे असेट्स हैं जो आपके काम तक नहीं आ रहे, जैसे कुछ एसी वगैरह, या फिर ऐसे असेट्स जो नॉन कोर है, जो आपकी एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उनको मोनेटाइज कर सकते, उनको बेच सकते हो या उनको आप कहीं भी जो है रेंट पे दे सकते हो। ये सारी चीज़ों से जो है पैसा सरकार के पास आएगा, तो पैसा आएगा तो सरकार अपने आप जो है लोगों पे खर्च कर सकती है। नो लॉकडाउन फॉर अब्यूज। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पिछले कुछ दिनों में 257 कंप्लेंट जो है हासिल की हैं, और ये कंप्लेंट्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। देखा गया राजस्थान में एक पिता ने शिकायत की कि उसकी बेटी को मारा जा रहा है उसके पति के द्वारा और खाना तक नहीं दिया गया लॉकडाउन में, और कई सारी शिकायतें चाइना, फ्रांस, यूके तक में भी आ रही है। अब आपको चीज़ समझ नहीं पड़ेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती क्यों जा रही है। देखो डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब जो है आदमी घरों के अंदर है, आदमी बैठे बैठे सारे दिन न्यूज़ चैनल चलाए, व्हाट्सअप चलाए, सारे दिन जो है इधर उधर की चीज़ें देखे, फिर उसके दिमाग में क्या गए, बोर हो गए, तो आदमी जाके फिर अपनी औरत से बातें करेगा, औरत से बातें करेगा, औरत ने कुछ जो दो चार कुछ बोला, ज़्यादा कुछ बोल दिया या फिर ढंग से बात नहीं की, तो आदमी जो है भड़क उठता है। क्योंकि देखो मैं बताऊँ आपको, ये जो आदमी है ना बरसों से अपनी मस्कुलिटी दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बढ़ाऊँ। और एक चीज़ आप हमेशा याद रख लेना कि जिस दिन महिलाएं अगर पुरुषों के बराबर आ गईं, उस दिन पुरुष अपने आप नीचे हो जाएंगे। ये ट्रूथ है। ये कौन सा फिलोसोफर था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक वो था सोक्रेट्स ने कहा था कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर ला दोगे तो पुरुष जो है डरते हैं कि हम उनके नीचे नहीं चल जाएं, हम गुलाम ना बना लें। इसी वजह से महिलाओं को एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी। डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरीके से बढ़ रही है, मुझे लगता है इस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो आपके मेंस एग्जाम्स में भी आप डाल सकते हो। पहला तो ये कि एक तो जो अल्कोहल है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे अब देखो पुलिस वगैरह तो हर जगह COVID-19 को रोकने में लग रही है, तो अब डोमेस्टिक वायलेंस को भी पुलिस कैसे संभाले। तो उसके लिए जो एनजीओ हैं, जो वुमेन के एनजीओ है, जो लोकल जो एनजीओ है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जाके वुमेन्स को हेल्प करें। जो 181 जो हेल्पलाइन थी, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा सेटअप की गई थी, वो हेल्पलाइन अभी भी चालू रहे। इसी चीज़ ये कर सकते हैं कि वुमेन को जो है एड वगैरह देके टीवी में मैसेज वगैरह करके अवेयर करवा सकते हैं कि आपको जो है थाने में रिपोर्ट करा दो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो, और वेबसाइट वगैरह पे जो है आराम से जो है एड वगैरह देके न्यूज़पेपर में भी जो है वुमेन को हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। कई सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, और इसके लिए जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो आप खुद भी सोचो कि और क्या क्या जो है महिलाओं को यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से रोका जा सकता है। ये आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, काफ़ी हेल्प भी आपको करेगा। नेशनल वुमेन कमीशन फॉर वुमेन को पावर देनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, ये भी जो है चीज़ होनी चाहिए।
इट्स टाइम फॉर रेड बेरेट्स। बात और ये किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इतनी पावर नहीं है कि पैंडेमिक रोक सके, हर चीज़ उसके पास इतना है नहीं। किसी बीमारी को पैंडेमिक घोषित करने से कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता, केवल नाम चेंज हो जाता है। WHO के पास और बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं आ जाते कि पैंडेमिक घोषित कर दिया ये हो जाएगा। ये केवल और केवल अपने मेंबर स्टेट्स को इन्फॉर्म कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, खतरे क्या हैं, चैलेंज क्या है, नुकसान क्या होगा, इसके लिए जो सीधा सीधा काम वो कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स का जो चेयरमैन था वो चाइना था, अब वो चेयरमैन जो है डोमिनिकन रिपब्लिक ने ले ली है, तो चाइना यहाँ पे चेयरमैन नहीं रहा। चेयरमैन था अब तक चाइना यूएससी में जो COVID-19 का जो इशू है वो डिस्कस होने से भी मना कर रहा था। चाइना ने रशिया का भी सपोर्ट ले लिया और अफ्रीका का भी सपोर्ट ले लिया, यूएससी में डिस्कस होने से जो है रोक दिया गया COVID-19 को। लेकिन अब यूएनएससी में जो है कोशिश ये की जाए कि जी डिस्कस हो। चार्टर जो 7 है, चार्टर 7 में वो चीज़ आती है जो पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, पीस के लिए खतरा है, और जब ऐसी चीज़ होती है तो यहाँ पे यूएन अपनी फोर्स भेजती है, उसको कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स, स्पेशल यूएन फोर्स। ये पीस कीपिंग फोर्स यूएन की अपनी फोर्स नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह यूएन नहीं देता कि यूएन रिक्रूटमेंट नहीं करता, ये सारे देशों की मिलके कुछ कुछ जो है यहाँ पे पर्सनल लिए जाते हैं और उनको सबको एक करके एक फोर्स बनाई जाती है। जैसे भारत ने अपने कुछ जो है मिलिट्री पर्सनल यहाँ पे देता है, अमेरिका देता है, यहाँ पे रशिया देता है, चाइना देता है, यूके देता है, जापान देता है, सारी जो है देते हैं। इन सबको मिला के एक पीस कीपिंग फोर्स बनती है और कहा जा रहा है कि इनकी जो टोपी के कलर होता है, मैं आपको बता देता हूँ, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे आता नहीं है, लेकिन याद रख लो ब्लू कलर की टोपी पहनते हैं। अब ये राइटर कह रहे हैं कि COVID-19 से लड़ने के लिए इनको रेड कलर की टोपी पहनाओ ताकि अटेंशन का जो है यहाँ पे लोगों को साइन दिखे। फिर भी जो चीज़ याद रखनी जरूरी है कि पैसा यहाँ पे जो खर्चा करते हैं पीस कीपिंग फोर्स पे वो यूएन नहीं करता, वो यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करती है, और भारत का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है। तो पीस कीपिंग जो फोर्स है वो यहाँ पे COVID-19 के अभी लगानी पड़ेगी, ताकि जो अभी देखो डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए में ने तो अपनी फोर्स लगा के, हमने अपनी फोर्स लगा दी, हमने पुलिस वाले लगा दी, डॉक्टर लगा दिए, हमने जो है बड़े बड़े देशों ने अपना काम कर दिया, चाइना ने अपने तरीके से पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करके पुलिस वगैरह लगा के काम कर दिया। लेकिन जो गरीब जो देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगी? जो यहाँ पे वल्नरेबल जो कंट्रीज हैं जिनके ना पास कोई इतना पुलिस फोर्स है, ना डॉक्टर है, ना इतना पर्सनल है, उनके लिए यूएस पीस कीपिंग फोर्स ही काम आएगी। और जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर उनके सामने ही COVID-19 का चैलेंज फेस हो गया तो पूरी तरीके से डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसका होगा। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, वल्नरेबल कंट्रीज के लिए होंगी, और ये केवल उन कंट्रीज के लिए होंगी जिनके जो है COVID-19 की मार को झेल नहीं सकती। तो पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत इसलिए भी है, साथ ही साथ यूएन में रिजोल्यूशन भी पास हो, एक डिस्कशन भी हो कि इंटरनेशनल पीस का खतरा है। अब तक चौंकाने वाली बात है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ये याद रखना। टोटल मेंबर 15 है जिसमें 5 परमानेंट है, ये हमेशा याद रखना। US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या याद रखनी जरूरी है, तो आप याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी मैं जो है अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी मुझे 10 मेंबर्स अच्छे तरीके से याद नहीं, लेकिन जब भी आपके सामने आए तो याद रखिएगा। तो यूएनएससी में डिस्कशन अगर हो जाता है, इसका रिजोल्यूशन पास हो जाता है, तो COVID-19 को इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाएगा और चाइना की इमेज बिगड़ जाएगी, इसलिए चाइना जो है इसको पास नहीं होने देता। हालांकि सारे राज्यों सरकारों को मिलकर, सारे जो है देशों को मिलकर करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।